क्या बात है, पुलिस की गाड़ी लेके भला ये कौन किसके पीछे लगा है, जानने का पूरा हक है हम लोग को, जानेंगे इस वीडियो में। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक ही कर दो। आखिर कौन है, रिवील करे अपनी सच्चाई। है इसमें सच्चाई की क्या बात है, नमी लोग रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। भैया इसे समझा दिया करो। ओए पगला गया है, ओए मुन्ना मैडम जी को पकड़ लिया। भैया दिक्कत क्या है मुन्ना, ये पुराना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चल रही थी और ऊपर से बोल रही है कि मुझे ओल्ड पसंद नहीं है। पकड़ लिया, ओए पकड़ लिया। लेकिन भैया वो मैडम जी तो चली गई ना। ओए मुन्ना फुल टू फाइन काटा फिर जाने दिया। भैया ये सही किया, चलो भैया सामने वाली गाड़ी की स्कैन मारते है। अरे बाप रे, देखो भैया रजिस्ट्रेशन भी इनवैलिड है। तो मुन्ना ज्यादा सोचा उचा मत कर, देख मैंने तो साइड में भी लगवा दिया। हेलो मैडम जी कहाँ जा रही है, रजिस्ट्रेशन आपका इनवैलिड है। भैया ये भी बोल रहे कि इन्हें ओल्ड रजिस्ट्रेशन पसंद नहीं है। तो ये बात है, जाओ मैडम जी फाइन तो कटी गया, अब आप चाहे ओल्ड लो चाहे न्यू लो। चलो भैया अब फिर से चलते हैं थोड़ा राउंड पे और देखते हैं भैया स्कैनिंग वगैरह करते हैं, किसका रजिस्ट्रेशन है किसका नहीं है, किसने सीट बेल्ट लगाई है और किसकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है कि नहीं। ओए बिल्कुल सही कहा भैया, चलो भैया सामने वाले की स्कैन मारो। ओए मुन्ना वही कर रहा हूँ। हेलो सर जी कहाँ जा रहे हो। अरे ये कब ओवरटेकिंग। ए भैया अब तो स्कैन मारना बनता है। इनका क्या है, अंकल जी का सही है। चलो अंकल जी आप जा सकते हो, सामने वाले का देखना है, बहुत भाग रहा है ये। ए भैया सबसे पहले भैया ओवर स्पीडिंग के चक्कर में भैया इसका चलान काटेंगे। ओए रुक मैं साइड में लगवाता हूँ। ओए सर जी साइड में लगा लो, नहीं तो अच्छा खासा चलान काट दूंगा। ओए चलो भैया चलो चलो। हेलो सर जी कहाँ भागे जा रहे हो, पैसे तो देख के जाओ। मुन्ना अनपेड पार्किंग भी है। हाँ भैया वो तो है, जाने दो भैया अभी क्या है नया होगा। ओए ऐसे जाने देंगे तब तो मुन्ना हम लोग क्या ही करेंगे, ओए पुलिस वाले हम लोग। ठीक है भैया उसने इतना बड़ा भी अपराध नहीं किया था। ओए लेकिन मुन्ना सही बात नहीं है, देख रहा है मुन्ना ये जो सामने वाली बहन, ओए तेरी कटूक गई। अरे भैया सब कुछ सही तो था। ओए वो सही तो वो दिखा ही नहीं था, वो थोड़ा सा गाड़ी मुन्ना डैमेज हो गया अपने। ए भैया बिना, चलो भैया इस गाड़ी के साइड में लगाओ। ओए साइड में लगी नहीं रही। ओए लगा ले साइड में टैक्सी ड्राइवर, नहीं तो बहुत मारूंगा। ओए अरे यार भैया ऐसे नहीं सुनेगा, अब लगाया इसका तो भैया पक्का चलान कटेगा। हेलो अंकल सुनाई दिखाई नहीं देता क्या, हम लोग सायरन पे सायरन बजा रहे हैं, ऊपर से आपका इंश्योरेंस रही है, मुन्ना चलान कटेगा। बिल्कुल भैया फाइन बनेगा। जाओ अंकल जी फाइन आपका कट चुका है, आप जा सकते हो। चलो भैया अब नेक्स्ट गाड़ी के पीछे लगते हैं। बिल्कुल मुन्ना चलो, आप पेट से थोड़ा सा राउंड पे जाने का टाइम आ चुका है। वैसे मुन्ना सामने गाड़ी जा रही है, भैया स्कैन तो मारो इसे। ओए मार दिया, मुन्ना स्टूडेंट ड्राइवर है। हाँ भैया पता है इसका इंश्योरेंस भी भैया वैलिड है, फिर भी भैया देखना पड़ता है यार, भैया चेकिंग का सवाल है। ए लड़की बहुत बढ़िया यार, तुम बढ़िया इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ लेके चल रही हो, तुम जा सकती हो। ओए मुन्ना सब कुछ तो सही था, तूने उसको रोका क्यों। ए भैया फिलहाल पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि भैया शहर में क्राइम ज्यादा बढ़ चुका है, तो भैया अच्छा आदमी बुरा बन जाता है। ओए हाँ ये तो है, वैसे इस गाड़ी को साइड में लगा मुन्ना। अरे भैया सायरन दे तो रहो। साइड में लगा यार। ओए कौन है, ओए सुनाई नहीं दे रहा क्या लड़के, क्या दिक्कत है। अरे दिक्कत छोड़ो भैया फाइन काटो, एक तो भैया व्हीकल केयरलेस चला रहा है, ऊपर से भैया इसका इंश्योरेंस भी एक्सपायर्ड है, वो तो बोलना चाहिए था ना। अरे भैया यार दिख नहीं रहा कि आपको स्कैन मारा तो दिखा नहीं किया। ओए हाँ वो तो दिख गया था। ओए अंकल जी का तो मुन्ना सब कुछ सही है, फिलहाल तो भैया रुको अंकल जी को क्या करे। ओए छोड़ देते हैं क्या ही करेंगे। हाँ भैया वैसे सब कुछ तो सही अंकल का, जाओ अंकल। अरे भैया क्यों रुका लिया, अब मुन्ना तुझे इतना ही डाउट है फिर तो रुका ही लेना चाहिए। अंकल जी वैसे सबका तो सही है आपका, जा सकते हो अंकल जी, बाय बाय। अरे भैया यार आप भी ना। चलो भैया बढ़िया किया। ओए हाँ मुन्ना क्या ही बोले, चलो मुन्ना नेक्स्ट व्हीकल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल भैया, चलो भैया अब देखते हैं कि हम लोग को किस टाइप के और भी नए नए लोग मिलते हैं। ओए मुन्ना फिलहाल तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है हम लोग की वजह से। ओए चलो भैया इसका भी सब कुछ सही है, और इस वाली को देख लेता हूँ। अरे भैया पकड़ो जल्दी से साइड में लगाओ। ओए क्या हो गया, मैडम जी को कोई दिक्कत है क्या। मैडम जी को नहीं दिक्कत भैया, इनके व्हीकल रजिस्ट्रेशन में दिक्कत है। मैडम जी आपकी गाड़ी के ब्रेक्स फॉल्टी है। ए भैया यार लगता है इन्हें कोई फर्क पड़ नहीं रहा, बोल रही कि मेरे ब्रेक्स सही है, मैडम जी का भैया चलान कटना चाहिए, वो जरूरी है क्या। अरे भैया यार फाइन बनाओ यार। ओए ठीक है बन गया मुन्ना फाइन, जाओ मैडम जी आप जा सकती हो। मुंडा कितनी क्यूट सी मैडम थी, बेफालतू चलान बना दिया, ब्रेक्स तो मुन्ना कोई जरूरत चीज नहीं होती ना। हे भैया यार आप तो गाड़ी कभी चलाना ही नहीं। ओए मुन्ना टैंक में कुछ दिक्कत है क्या। अरे भैया इस तरह रोड में क्यों खड़ा हुआ है। चलो भैया जाके देखे क्या। ओए मुन्ना चल ठीक है चल के देख ही लेते हैं। ओए दिक्कत क्या है, इससे पूछते हैं कि रोड में क्यों खड़ा किया है।
हाँ भैया जरूरी है। अरे अरे भैया ये तो अग्रेसिव हो गया, ओए तरीके उड़ा दिया। अरे बाप रे भैया गलत डिसीजन था, वो तो क्या करना चाहिए। ए भैया यार हम लोग को इससे फोन में बात करना चाहिए। ओए रुक मैं बात करता हूँ। ओए बच्चा यू आर अंडर अरेस्ट। ओए अरे भैया, अरे बाप रे भैया फिर से अग्रेसिव हो गया, मार दिया। ओए तो क्या बोलूं, नाइस टैंक, ये कौन सी बात हुई। ए भैया लगता है यही बोलना पड़ेगा। तुम्हारा टैंक बड़ा अच्छा यार। अरे भैया बाहर आया और मैंने पूछ रहा है कि मुझे पकड़ने क्यों आया। अरे भैया टैंक ड्राइव कर रहा है वो भी रोड में। ओए तू टैंक ड्राइव कर रहा है वो भी रोड में, ओ ये क्या, ये बोल रहा है इलीगल है तो। अरे भैया तो चला गया। ओए मुन्ने से जा नहीं देना, फेल हो गए फिर से। अरे भैया आपसे ना हो पाएगा, रुको भैया अभी मैं इसकी बैंड बजवाता हूँ। ए भैया क्योंकि ये ड्रंक करके टैंक चला रहा है। ओए मुन्ना अग्रेसिव हो जाएगा, पोट डालेगा। ओए तेरी तो, पोट डाला साना, अब हमारी बारी आ जाएगी। ए भैया रुको यार मैं अभी इसकी बैंड बजवाता हूँ। ये देखो भैया कॉल लगाया। ओए किसको कॉल लगा दिया भैया, रेनफोर्समेंट को लगाया है। ये देखो भैया उड़ा ही डाला। देखा भैया मेरा कमाल। ओए मुन्ना तूने तो कर दिया धोती फाड़ के रुमाल। चलो भैया अब हम लोग की चेकिंग शुरू हो चुकी है, वो भी भैया एयरपोर्ट पे। चलो भैया इसको चेक करो। ओए मुन्ना एक सामान निकल आया है, क्या चीज है भैया। ओए स्कैनिंग में पता चला, या देख देख रहा मुन्ना सनक्रीम लेके जा रहा था। ए यार भैया ये कोई बड़ी चीज नहीं है, जाने दो भैया। ओ जाने दे मुन्ना सनक्रीम। अरे ठीक है ना भैया, कोई वेपन नहीं है, टेंशन मत लो। ओए अच्छा ये बात है, जाला मुन्ना। हेलो मैडम जी कैसे हो। मुन्ना स्कैनिंग में कुछ नहीं आया, चलो भैया अप्रूव यार। ये हुई ना बात, चलो नेक्स्ट कौन है। अरे भैया हो गया, लगता है सारे के सारे लोग खत्म हो गए। ओए अब क्या करना है। चलो भैया थोड़ा सा एयरपोर्ट के अंदर चेकिंग करना है। जाओ भैया डॉगी लेके जाओ। ओए मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे जाओ ना भैया चेकिंग करके आओ, भैया कोई बॉम्ब वॉम न ले जाए। ओए मुंह को क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या। अंकल जी बैग में क्या है। अरे बाप रे भैया अंकल जी तो फुल केमिकल वगैरह लेके जा रहे हैं। भैया अंकल जी को तो अरेस्ट करना है। ओए कर लिया, धराए गए। चलो भैया ये हुई ना बात। चलो भैया अब हम लोग को करनी है पासपोर्ट चेकिंग। ओए पासपोर्ट मुन्ना वो कैसे चेक करेंगे। अरे भैया यार लोग फर्जी पासपोर्ट लेके जाते हैं और भैया पता नहीं कुछ क्रिमिनल के कांड वगैरह करके भी चले आते हैं। और ठीक है चेक करेंगे। मुन्ना इसका नाम तो है बेंजामिन वुड और ये बता भी रहा है, इसकी एज भी सही है और मुन्ना ये जा भी सही जगह रहा है। ठीक है भैया वो अप्रूव हो चुका है, पता नहीं कितना टाइम लगाते हो। ओए ठीक है मुन्ना ध्यान से देखना चाहिए। ओए तुम कौन हो ऑफिसर, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो भैया ऑफिसर का वैसे चेक कर लिया जाए। ब्रांड ऑफ ग्रीन 37 और भैया सही तो है। ओए ऐसे कैसे सही है, यूनाइटेड स्टेट का बोल रहे अपने आप को, और देख नेशनलिटी ग्रीस की ले रखी है। अरे भैया तब तो अरेस्ट करो यार। मुन्ना भैया के दिमाग देख ले, पता नहीं अभी जाने देना ऑफिसर को। अरे भैया गलती हो जाती है। चलो भैया मैडम जी का चेक करना है। 55 एज सही है, नेशनलिटी भी सही है और नाम भी सही है। चलो मैडम जी अब अप्रूव हो चुकी हो। और ये कौन आ गया, पता नहीं भैया कौन है नाम भैया। अरे भैया इसने कुछ बताया नहीं। ओए नाम छोड़, इसका फेस ही मुन्ना मैच नहीं हो रहा, पकड़ इसे। देखो भैया इसका स्कैनिंग किया जाएगा, फिर पता लगाया जाएगा, फिर भैया डंडों से मारा भी जाएगा। भैया पकड़ा गया। ओए बहुत तो बढ़िया, चल मुन्ना थोड़ा सा पेट्रोलिंग पे चलना है। हाँ भैया चलो चलते हैं ना। चलो चल मेरी गाड़ी, टिक टिक टिक। अरे भैया कोई घोड़ा नहीं है यार, भैया गाड़ी है वो पुलिस वाली, बहुत तेज भागती है। ओए आप पता है मुन्ना तो भैया को समझ कर रहा है। कुछ नहीं भैया यार आप गाड़ी चलाने में ध्यान दो। ओए वो तो मैं दे ही रहा हूँ। ये क्या इधर क्या है, पता नहीं भैया। अरे बाप रे भैया गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। ओए तब तक फायर ब्रिगेड बुलवानी चाहिए। अरे भैया फोन नहीं निकालना। ओए क्या हो गया। अरे भैया यार ब्लास्ट हो गया, बहुत टाइम जाता भैया। ओए गलती हो गई। अरे भैया हम लोग को चल के पहले जो पैसेंजर है उसको निकालना पड़ेगा। ओ तो ये बोलना ऐसे कोई फंसा है क्या। हाँ मुन्ना एक फंसा है, पहले ऐसा करते हैं कि आग बुझाते हैं। ओए तू पगला गया क्या। ओ तेरी तो ब्लास्ट हो गया। बोला था भैया आग बुझाओ, ऐसे गेट खोल दिया और भैया गाड़ी में आग लग गई और ब्लास्ट हो गई गाड़ी। ओए ठीक है बुझा ही लेते हैं, ये ले बुझ गई आग, अब तो सही है ना। हाँ भैया चलो अब जल्दी से भैया पैसेंजर को बाहर निकालो। ओए मुन्ना क्या किया जाए। अरे भैया यार CPR तो उसको अभी नहीं देंगे, पहले भैया बाहर निकाल लेते हैं, ज्यादा सही है। ओए हाँ ज्यादा सही रहेगा, चल आज लड़के बाहर। ये क्या इसकी हालत खराब है। ओए तेरी को ब्लास्ट हो गया। चलो भैया कम से कम बाल बाल तो बच गया ना। ओए हाँ बच तो गया, मजा ही आ गया मुन्ना, सेफ ही कर लिया। हाँ भैया सेफ तो कर लिया हम लोगों ने। चलो भैया अब आज बहुत ही पुलिस पुलिस खेल लिया और भैया आज हम लोगों ने काफी ज्यादा क्राइम को सॉल्व भी किया।
ओए हाँ ये तो है। चलो दोस्तों अब आज के वीडियो के लिए इतना रखते हैं, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक कर देना। हाँ गाइस यार, और चैनल पे नहीं तो उसको भी जल्दी सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सभी को टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओए हाँ सभी दोस्तों को बाय बाय।